हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण के तीसरे चरण में पहुंच जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर आई है, ऐसी खबर जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकती है। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस के टेस्ट की नई तकनीक ईजाद कर ली है। जी हाँ, कोविड 19 की पहचान के लिए निकाली गई ये नई तकनीक कोरोना वायरस से जंग में इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि अब तक भारत में मौजूद टेस्ट किट के मुकाबले ये कई मायने में बेहतर है। पहला तो ये कि ये टेक्निक कोरोना की पहचान करने में मौजूदा किट के मुकाबले बहुत कम समय लेती है। अभी हिंदुस्तान के जिन 52 लैब्स में कोरोना वायरस की जांच हो रही है वो दिन भर में कुछ सौ सैंपल की ही जांच कर पाते हैं, जबकि आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स की ईजाद की गई तकनीक से ये जाँच बहुत कम समय में की जा सकती है। इंडियन रिसर्चर्स ने कोविड 19 के आरएनए में ऐसे सीक्वेंस की पहचान कर ली है जो दूसरे कोरोना वायरस में नहीं पाए जाते हैं, जिससे एक सिंपल टेस्ट के जरिए कोरोना वायरस की मौजूदगी और यहां तक कि उसके कंसंट्रेशन का पता लगाना भी आसान हो गया है। इस नए टेस्ट टेक्निक की दूसरी और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मौजूदा तकनीक के मुकाबले बेहद सस्ती होगी। अभी ज़्यादातर टेस्ट सरकारी लैब्स में ही हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं। जिन प्राइवेट लैब्स को कोविड 19 के टेस्ट की इजाज़त ICMR ने दी है वो इसके एवज में 4500 रुपये वसूल कर सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए बेहद महंगा साबित होगा। ऐसे में नई तकनीक वरदान साबित हो सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार टेस्ट है। हम जितनी ज़्यादा तादाद में लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्ट कर पाएंगे उतनी जल्दी इस खतरनाक वायरस पर नियंत्रण हासिल कर पाएंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद से अब तक हिंदुस्तान ने 16,000 से कुछ ज़्यादा सैंपल ही टेस्ट किए हैं, जबकि आबादी और संक्रमित लोगों की मोबिलिटी की हिस्ट्री को देखते हुए इनकी तादाद लाखों में होनी चाहिए थी। लेकिन मजबूरी ये है कि भारत के पास सीमित टेस्ट किट हैं और उसे रैंडम सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी IIT दिल्ली में विकसित इस नई तकनीक के कारगर होने का सर्टिफिकेट अगर दे देता है तो हम बहुत जल्दी बड़ी तादाद में लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट कर पाने में सक्षम हो जाएंगे और ये कोरोना वायरस पर नियंत्रण की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।